फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक गूगल अर्थ में पॉलीकॉन बनाना और उसका एरिया काउंट करना और उसमें एडिटिंग करना। तो देखिए कि कोई एरिया है ये, इसको पॉलीकॉन बनाएंगे तो सबसे पहले ऐड पॉलीकॉन जो सबसे ऊपर, तो ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम फाइल का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो भी फाइल हम देना चाहते हैं नाम। अब स्टाइल एंड कलर में जाके कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर बाउंड्री का कलर है और नीचे एरिया का कलर है। अब मेजरमेंट में जाके हम इसकी यूनिट सेट कर लेंगे, जो मीटर्स में है, पेरीमीटर्स की और एरिया की स्क्वायर मीटर में। अब क्रशर को एरिया के ऊपर मूव कराते हुए पूरे एरिया को डिजिटाइज करेंगे, क्लिक करते हुए इस तरह से। जो कलर हमने एरिया के लिए सेलेक्ट किया था, उस कलर से एरिया भरता जा रहा है। साथ ही हम यहाँ देख रहे हैं कि एरिया में और पेरीमीटर की रीडिंग में चेंज आ रहा है। अब एक बार जब ये बन गया तो सेव, जिस नाम से सेव किया था वो नाम से सेव होके ये हमारे माई प्लेसेस में सेव होके आ गया है। इसकी प्रॉपर्टी में जाके हम इसकी स्टाइल एंड कलर में जाके इसका पॉलीगॉन की ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, जिससे हमारे पीछे का एरिया भी साथ में दिखे और पॉलीगॉन का कलर भी दिखे। यहाँ पे 50% कर दिया ट्रांसपेरेंसी, और इसको और अगर सही दिख 40% भी कर सकते हैं, ताकि हमारा एरिया और पीछे का जो विलेज है दोनों एक साथ कलर भी दिखे और विलेज भी दिखे। जो बाउंड्री का कलर है उसको भी हम उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम एरिया में कुछ एडिट करना चाहे तो बाउंड्री के जो पॉइंट हैं उसको ड्रैग करके उसकी विड्थ को या एरिया को और बढ़ा सकते हैं, या अगर हम कम करना चाहें तो भी इस पर, ये जो पॉइंट है अगर इन पर हम राइट क्लिक करें तो ये पॉइंट डिलीट हो जाते हैं और इससे एरिया कम हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन हैं एडिटिंग के हमारे पास। ये राइट क्लिक कर रहे हैं हम तो एरिया डिलीट हो जाएगा और एरिया पॉइंट डिलीट हो जाएंगे और एरिया कम होता जाएगा। जिस हिसाब से आप कम करना चाहें उस हिसाब से पॉइंट डिलीट करने होंगे। राइट क्लिक करने से होता है डिलीट। अगर ये बाउंड्री की स्टाइल को हम विड्थ कम या ज़्यादा करके हम इसको किस तरह से शो करना है, अगर इसकी विड्थ बाउंड्री की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ पे हम विड्थ को बढ़ा देंगे और बाउंड्री मोटी शो हो जाएगी। फाइनली पॉलीकॉन बन गया है।